हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम कृष्णा नायक, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन दिस लेक्चर. इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस द टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. ऑल्सो वी सी द रेडॉक्स रिएक्शन इन अ डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ओके, नाउ अब उस रेडॉक्स रिएक्शन को हमें बैलेंस कैसे करना है वो देखने वाले हैं. दैट बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आल्सो कैन बी कैरिड आउट बाय टू डिफरेंट मेथड. फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. नंबर चेंज मेथड और यू कैन डायरेक्ट राइट oxidation number method, and second one is ion electron method. Okay, इनमें से जो ये ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड है वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे, और जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड थ्रू बैलेंसिंग है वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ओके, बैलेंसिंग बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. चलो सबसे पहले ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड किसने डिफाइन की वो देख लेते हैं. दिस मेथड वॉज गिवन बाय जॉनसन. ओके, ये मेथड किसने दी थी? तो जॉनसन ने दी थी. चलो, तो पहले उससे हम बैलेंस करने से पहले उसके लिए जो रूल है वो देख लेते हैं कि कौन से रूल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन को हम बाय दिस मेथड बैलेंस कर सकते हैं किसी भी रेडॉक्स इक्वेशन को. ओके, तो रूल टू बैलेंस, रूल्स टू बैलेंस्ड इक्वेशन. फर्स्ट रूल है, वी हैव टू राइट नेट आयोनिक केमिकल रिएक्शन. राइट नेट आयोनिक केमिकल इक्वेशन. ओके, हमें क्या करना है? तो पहले पूरा आयोनिक इक्वेशन लिख देना है. सेकेंड क्या करना है? तो बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंस द इक्वेशन फॉर नंबर ऑफ एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ओके, मतलब हमें क्या करना है, जो भी रिएक्शन दी गई है उसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम प्रेजेंट है उन्हें फर्स्ट बैलेंस कर लेना है. ओके, पहले क्या करना है, पूरा आयनिक इक्वेशन लिखना है, आयनिक फॉर्म में इक्वेशन लिखना है. ओके, मतलब जो ऐसे एलिमेंट है जिसके ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है. तो पहले पूरे इक्वेशन को आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो. आफ्टर दैट जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, ओके, किसके अलावा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा, उन्हें बैलेंस करो. ओके, नाउ थर्ड स्टेप में क्या करना है, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट अबव द सिंबल. ओके, सिंबल के ऊपर जितने भी हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट हमें लिख लेना है. ओके, चलो फिर क्या करना है, डिसाइड विच एटम सो change in oxidation state
एंड बाय हाउ मच, एंड बाय हाउ मच, ओके। मतलब किसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, वो डिसाइड करना है। और सिर्फ ये नहीं कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है एंड कितना डिक्रीज हो रहा है वो भी हमें साथ में मेंशन करना है, ओके। उसके बाद क्या करना है आपको, तो इक्वलाइज इक्वलाइज टोटल डिक्रीज, इक्वलाइज टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिड्यूस एटम, ऑफ रिड्यूस्ड एटम एंड टोटल, एंड टोटल इंक्रीज इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडाइज एटम बाय बाय मल्टीप्लाइंग बाय अ सूटेबल इंटीजर, बाय अ सूटेबल इंटीजर, ओके। उसके बाद क्या करना है आपको, पहले कितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है वो डिफाइन कर लो। जो भी नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो सेम होना चाहिए, उसके लिए आपको सूटेबल इंटीजर से उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ओके। उसके बाद का जो स्टेप है वो है, वी हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम, ओके, बैलेंस हाइड्रोजन एटम, बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग एच प्लस आयन टू द साइड लेस विथ एच एटम इन एसिडिक मीडियम एंड by adding OH minus ions in basic medium, okay। मतलब चार्ज बैलेंस करने के बाद हमें क्या करना है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अगर एसिडिक मीडियम है तो H प्लस आयन हमें ऐड करने हैं, अगर बेसिक मीडियम है तो OH माइनस के थ्रू उसे बैलेंस करना है। एंड एट लास्ट बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल टू द साइड लेस विथ ऑक्सीजन एटम, ओके। जिस साइड ऑक्सीजन एटम लेस है वहां पे आप हमें H2O मॉलिक्यूल को ऐड कर देना है, ओके, क्लियर। मतलब ये सारे स्टेप हम वन बाय वन फॉलो करते जाएंगे एंड वी विल गेट द बैलेंस इक्वेशन, आपको लास्ट में चेक कर लेना है। हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा आइडिया आएगा। पहले क्या करना है, आयनिक इक्वेशन लिखना है, उसमें सबका एटॉमिक हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम हैं उन्हें बैलेंस करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा, फिर उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, फिर उस ऑक्सीडेशन नंबर में कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है वो आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जो भी इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर है उनसे इक्वल करना है बाय द मल्टीप्लाई बाय द सूटेबल इंटीजर। उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्टेप, मैंने ये स्टेप पहले आएगा, ये बैलेंसिंग वाला जो है, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है हमें बाय द हेल्प ऑफ H2O और उसके बाद हाइड्रोजन को आपको H प्लस या OH माइनस के अकॉर्डिंग उसे क्या करना है, तो एसिडिक मीडियम होगा तो हाइड्रोजन को H प्लस के थ्रू एंड बेसिक मीडियम होगा तो OH माइनस के थ्रू हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना है, ओके। और ऑक्सीजन बैलेंस किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ H2O। ये स्टेप यहां से पहले करेंगे उसके बाद ये करेंगे। चलो तो एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझने की ट्राई करते हैं। चलो हमें क्वेश्चन दिया गया है, पोमेग्रेनेट आयन रिएक्ट विद द ब्रोमाइड आयन इन अ बेसिक मीडियम टू गिव मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड ब्रोमेट आयन, राइट।
द बैलेंस आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. ओके चलो, तो हमें किस किस की रिएक्शन करवानी है वो पहले देख लेते हैं. तो पोमेगेनेट आयन रिएक्ट विथ ब्रोमाइड आयन. पहला स्टेप क्या है? राइट अ कंप्लीट आयनिक इक्वेशन. ओके, फर्स्ट स्टेप है हमारा राइट कंप्लीट आयनिक इक्वेशन. तो जो भी स्टेटमेंट दिया गया है वहां से हमें आयनिक इक्वेशन लिखना है. कई बार हमें आयनिक इक्वेशन डायरेक्ट गिवन भी होता है. ओके, पोमेगेनेट आयन मींस होता है MnO4. ओके, तो ये हो गया MnO4 माइनस. पोटेशियम परमेगेनेट होता है KMnO4. यहाँ से पोटेशियम को निकाल दिया तो उसका ये नेगेटिव चार्ज और ये आयन फॉर्म हो गया. उसका ब्रोमाइड आयन के साथ रिएक्शन करना है. ब्रोमाइड मतलब Br माइनस आयन. ओके, उसके साथ अगर वो रिएक्ट करेगा देन इट विल प्रोड्यूस अ मैंगनीज डाइऑक्साइड मीन्स MnO2 फॉर्म करेगा प्लस ब्रोमेट आयन. ब्रोमेट आयन का मीनिंग होता है BrO3 माइनस. ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने क्या कर लिया, कंप्लीट आयनिक इक्वेशन लिख लिया है. नाउ दूसरा स्टेप है कि हमें यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट ऐसा है ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन के अलावा हाइड्रोजन के अलावा के जिसको हमें बैलेंस करना पड़े. ओके, तो उससे पहले कर लेना चाहिए. लेकिन देखो यहाँ पे मैंगनीज 1 है, यहाँ पे भी मैंगनीज 1 है, ब्रोमीन 1 है, ब्रोमीन 1 है, तो हमें वो स्टेप करने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट है दोनों साइड बैलेंस ही है, तो हम दूसरा स्टेप यहाँ पे फिर से नहीं लिखेंगे, चलेगा. ओके, नाउ थर्ड स्टेप क्या था, तो वो हमारा दूसरा हो जाएगा असाइन ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर मैंगनीज एंड ब्रोमीन. आप सबके ऑक्सीडेशन नंबर भी असाइन कर सकते हो. ओके, यहाँ पे है हमारे पास MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, इट गिव्स MnO2 प्लस BrO3 माइनस. ना यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो देखो जो मैंगनीज है यहाँ पे O4 है, तो 4 × −8 माइनस 8 में से एक निकाल दो तो मैंगनीज का हो जाएगा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. Br एज अ -1 है, मतलब Br का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे -1. अब प्रोडक्ट की बात करें तो 2 × 4 मतलब यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +4, और जो Br है उसका हो जाएगा यहाँ पे 3 × 6, 6 में से एक निकाल दो तो यहाँ पे हो जाएगा +5. मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंगनीज जो है वो +7 में से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है. Br -1 में से +5 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं, मतलब अगर आपको मेंशन करना है तो यू कैन मेंशन दैट कि जो मैंगनीज है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, और ब्रोमीन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा. ओके, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं Br विल बी ऑक्सीडाइज. ओके, एंड जो हमारा मैंगनीज है वो क्या होगा, तो रिड्यूस होगा. उसके बाद का स्टेप है कितना रिड्यूस हो रहा है, कितना वो इंक्रीज हो रहा है वो हमें लिखना है. ओके, तो थर्ड स्टेप हो जाएगा कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड मेक द इंक्रीज इक्वल टू द डिक्रीज. ओके, मतलब इंक्रीज डिक्रीज को हमें
सेम करना पड़ेगा। पहले क्या करना है, तो दोनों को लिखना है कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद उसे हमें क्या करना है, इक्वलाइज करना है। ओके चलो, तो यहाँ पे देखो मैंगनीज, मैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन Br-, इट गिव्स MnO2 प्लस Br(O3-). नाउ सी कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है वो देखते हैं। पहले जितना भी चार्ज था वो लिख लेते हैं फिर से, +7 -1 +4 +5। ना जो मैंगनीज है वो +7 में से +4 जा रहा है, मतलब वी कैन राइट दैट कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना डिक्रीज हो रहा है, तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर विल बी डिक्रीज। ओके, आप वो चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप उसके थ्रू इक्वेशन भी बना के लिख सकते हो। ओके तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ओके, ब्रोमीन की बात करो तो ब्रोमीन में क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ से -1 में से +5, मतलब कि 6 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, 6 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। हमें क्या करना है, दोनों को इक्वलाइज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है वो 6 है, डिक्रीज हो रहा है वो 2 है, तो यहाँ पे इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये जो पूरा इक्वेशन है इसमें, ये जो डिक्रीजिंग वाला पूरा इक्वेशन है उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 MnO4- प्लस Br-, इट गिव्स Br को हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि उसका तो ऑलरेडी 6 है। यहाँ पे दोनों सेम करने के लिए, अब अगर यहाँ पे हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6 हो जाएगा, मतलब कि एक मैंगनीज का 3, 2 मैंगनीज का कितना डिक्रीज होगा, 6, दोनों जो इक्वलाइज हो जाएंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों सेम हो जाएंगे। ओके, और यू कैन राइट दैट इसे आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये अब दोनों नंबर सेम हो गए, तो हमने इस इक्वेशन को 2 से इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये यहाँ पे हो गया 2 MnO4- प्लस Br-, इट गिव्स 2 MnO2 प्लस Br(O3-). ओके, मतलब ये हो गया हमारा हाफ काम कंप्लीट, कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था वो हमने बैलेंस कर दिया। ओके नाउ चलो अब क्या करना है, तो देखो यहाँ पे चार्ज कितना है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज है हमारे पास, ये जो है -1, 1 का ऐसे 2 है तो -2, और ये हो गया -1, टोटल -3 चार्ज है। यहाँ पे देखो तो 0 एंड -1, तो टोटल -1 चार्ज है, मतलब हमें चार्ज को बैलेंस करना है। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये मीडियम कौन सा है। ओके, तो देखो हमें ये बोला गया था कि ये जो है वो बेसिक मीडियम में रिएक्शन कैरिड आउट हो रही है। कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम है। अगर बेसिक मीडियम है ओके, तो आपको ये जो चार्ज है वो किससे बैलेंस करने हैं, OH- से बैलेंस करने हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एज रिएक्शन अकर्स इन द बेसिक मीडियम, इन द बेसिक मीडियम आयनिक चार्ज बैलेंस विथ एडिंग OH- इन राइट हैंड साइड। क्यों राइट हैंड साइड ऐड कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -1 है, OH- ऐड करेंगे मतलब यहाँ पे हम माइनस चार्ज ऐड करने वाले हैं, तो -1 को -3 में ले जाने की यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो 2 OH- को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, अगर 2 OH- हम ऐड करते हैं तो
तो उसके बाद हमारा रिएक्शन जो है वो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखो MnO4- 2MnO4- प्लस Br-, इट गिव्स 2MnO2, ओके, प्लस Br-O3- प्लस 2OH-। नाउ चेक द बैलेंस चार्ज, तो यहाँ पे -2 -1 टोटल हो गया -3, -1 -2 टोटल हो गया -3, मतलब दोनों साइड चार्ज क्या हो गया, चेंज हो गया। नाउ चार्ज चेंज हो गया, अब लास्ट स्टेप हो गया हमारा, क्या करना है हमें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो फाइनली काउंट द हाइड्रोजन एटम, काउंट द हाइड्रोजन एटम्स एंड एड H2O मॉलिक्यूल ऑन द अप्रोप्रिएट साइट ओके टू एच यू बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। चलो देखो, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हाइड्रोजन एटम पहले काउंट करने हैं। तो जो हमारा हाइड्रोजन एटम है ओके, वो कितने हैं, जीरो है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, जीरो है। राइट हैंड साइड में देखो तो राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो टू है। हाइड्रोजन एटम राइट हैंड साइड में दो है, यहाँ पे जीरो है, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल हमें लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना पड़ेगा ओके। यहाँ पे हमने ऐड किया था OH-, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में H2O ऐड करना है। तो रिएक्शन हो जाएगा 2MnO4- प्लस Br- प्लस H2O, इट गिव्स 2MnO4 प्लस Br-O3- प्लस 2OH-। ओके, ये हमने इससे बैलेंस कर दिया। नाउ यहाँ पे सिर्फ हम आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ कि सब चीज़ें बैलेंस हो गई या नहीं, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो देखो ये रिएक्टेंट का, ये प्रोडक्ट का, और जो जो चीज़ है वो हम देख देते हैं। एक तो मैंगनीज है, Br है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और हमें यहाँ पे चार्ज भी मेंशन करना है ओके। तो देखो रिएक्टेंट साइड मैंगनीज है, तो ये आपको हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं चेक करने के लिए आपको दिखा रही हूँ। मैंगनीज से दो, मतलब वो बैलेंस है। Br यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 1 है ओके। ऑक्सीजन यहाँ पे है 4 2 8 एंड 1 9 ओके। यहाँ पे देखो तो 4 2 8 सॉरी, मैंने लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। यहाँ पे MnO2 है ओके, MnO2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा 2 2 4, 4 प्लस 3 7 8 9, मतलब वो भी हो गया 9। हाइड्रोजन देखो तो ये 2 और ये 2। चार्ज देखो -1 -2 -3, और यहाँ पे भी हो जाएगा -3। तो मतलब पूरा हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया ओके। तो पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमें लिखना है आयनिक इक्वेशन, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो भी एलिमेंट है उसे बैलेंस करो, यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस थे। उसके बाद हमें ऑक्सीडेशन नंबर सबके लिखने हैं, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है वो आइडेंटिफाई करो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कितना हो रहा है वो आइडेंटिफाई करो, और जो भी नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं उसे इक्वलाइज करो। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 1 से, और दोनों के 6 हो गए। जिस भी इक्वेशन को आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे वहां पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद आपको चार्ज देखना है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि मीडियम कौन सा है। अगर बेसिक मीडियम है तो OH- के थ्रू चार्ज को बैलेंस करो, और एसिडिक मीडियम है तो OH+ के थ्रू उसे बैलेंस करना पड़ेगा। आफ्टर दैट हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बाय द एडिंग ऑफ H2O ओके, एंड यू विल गेट अ बैलेंस इक्वेशन ओके। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, चलो नेक्स्ट हम बैलेंसिंग देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल ओके। आपको डायरेक्ट रिएक्शन दी गई है MnO4- प्लस
Br माइनस, इट विल प्रोड्यूस Mn प्लस टू प्लस Br2, और ये जो आपका मीडियम दिया गया है वो है एसिडिक मीडियम। नव हियर हमें यहाँ पे एक डायरेक्ट रिएक्शन दिया गया है, ओके हमें उससे बैलेंस करना है। रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम है, तो हम यहाँ पे पहला स्टेप डायरेक्टली मैं लिख ही रही हूँ, ओके ये क्या हो गया हमारा, तो स्केलेटन इक्वेशन, आयनिक इक्वेशन, स्केलेटल आयनिक इक्वेशन, ओके चलो। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, तो जो भी एलिमेंट है अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन उसे बैलेंस करना है। सो दूसरा स्टेप लिख लेती हूँ, बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे मैंगनीज वन है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी वन है, लेकिन बी आर यहाँ पे वन है और यहाँ पे दो है, मतलब हमें बी आर को बैलेंस करना है, ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले मैं पूरा इक्वेशन लिख लेती हूँ, जो है एज इट इज एम एन ओ फोर माइनस प्लस बी आर माइनस, इट गिव्स एम एन प्लस टू प्लस बी आर टू। यहाँ पे जो दो है उसे हमें इस तरफ भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू बी आर माइनस, ओके ना। थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, तो थर्ड स्टेप होगा कि जिसमें हमें उसे क्या करना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करना है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, ओके चलो ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करना है, साथ में हमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे टू बी आर माइनस, इट गिव्स एम एन प्लस टू प्लस बी आर टू, ओके चलो। यहाँ पे जो मैंगनीज है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सेवन हो जाएगा, क्योंकि फोर टू ज़ा एट ऑक्सीजन का, उसमें से एक निकाल दो तो ये हो जाएगा प्लस सेवन। यहाँ पे एक बी आर का कितना है, माइनस वन है, वैसे दो है, तो यहाँ पे हम जो है वो ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप माइनस टू लिखो तब भी चलेगा, लेकिन एक बी आर का तो माइनस वन ही है, तो मैंने वन लिखा है, मैंगनीज का प्लस टू, और ब्रोमीन नेटिव स्टेट में है तो जीरो, ओके। साथ ही में मैं यहाँ पे असाइन कर देती हूँ कि जो मैंगनीज है वो प्लस सेवन में से प्लस टू में जा रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे जो है वो बी आर माइनस वन में से जीरो जा रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। चलो साथ में हम ये भी असाइन कर देते हैं कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है एंड डिक्रीज हो रहा है, तो यू कैन सी दैट यहाँ पे प्लस सेवन में से वो प्लस टू में जा रहा है, मतलब कि उसका फाइव ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, वो माइनस वन में से जीरो में जा रहा है, मतलब एक ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है, वैसे कितने हैं तो टू बी आर है, मतलब टोटल टू ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, ओके एक ब्रोमीन होता तो माइनस वन से जीरो मतलब एक का चेंज, वैसे दो है तो टोटल चेंज कितना हुआ, दो जितना, यहाँ पे टोटल चेंज कितना हुआ, फाइव जितना। अब उस चेंज को हमें क्या करना होता है, तो उस चेंज को हमें इक्वलाइज करना होता है बाय द मल्टीप्लाई बाय द एनी इंटीजर, ओके तो यहाँ पे दोनों और नंबर है, तो हम इस पूरे इक्वेशन को दो से और इस पूरे इक्वेशन को फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम उस इक्वेशन को लिख लेंगे, ओके तो फोर्थ स्टेप हो जाएगा बैलेंस टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ओके तो ये बैलेंस करने से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा एम एन ओ फोर माइनस प्लस बी आर माइनस, इट गिव्स एम एन प्लस टू प्लस बी आर टू। नाउ देखो ये जो इक्वेशन है उसे हमें दो से मल्टीप्लाई करना है, पूरे इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई करना है, कौन सा एम एन वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा टू एम एन ओ फोर माइनस, इट गिव्स टू एम एन प्लस टू। बी आर वाला जो इक्वेशन है उसे फाइव से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ऑलरेडी टू था उसे फाइव से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट टेन बी आर, ओके ऑलरेडी टू था
फाइव से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 10 Br माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 5 Br2। डू यू गेट इट कि मैंने क्या किया है, इसे 5 से मल्टीप्लाई किया, इसे भी 5 से किया, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 2 प्रेजेंट था तो ये हो गया 10 Br माइनस। ओके नाउ हमें उसके बाद चार्ज देखना होता है। यहाँ पे -2 -10 टोटल -12 चार्ज है, जबकि यहाँ पे प्लस देखो +2 है तो यहाँ पे हो जाएगा +4 और ये 0, मतलब यहाँ पे +4 चार्ज है। अब देखो ये एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है मतलब हमें H प्लस के थ्रू चार्ज को बैलेंस करना है। अब कितना हम यहाँ पे H प्लस ऐड करेंगे कि वो +4 तक जाएगा, तो ये बार तो पहले ऐड ही करना है, तो +12 करेंगे तो पहले 0 होगा और फिर +4 करेंगे तो उसके थ्रू वो कितना हो जाएगा, तो +4, मतलब कि टोटल हमें 16H+ को ऐड करना पड़ेगा। हमें इस तरफ क्या करना पड़ेगा, 16H+ को ऐड करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट दैट हियर, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग H+ ऑन लेफ्ट हैंड साइड ड्यू टू एसिडिक मीडियम। ओके एसिडिक मीडियम है उस वजह से हम H+ को ऐड कर रहे हैं। कितने H+ को ऐड करना पड़ेगा हमें, तो टोटल यहाँ -12 में से +4 जाने के लिए हमें यहाँ पे टोटल 16H+ को ऐड करना पड़ेगा। ओके -12 + 16 करेंगे देन वी विल गेट +4, तो यहाँ पे हमें कितने ऐड करने हैं, 16H+। और तो मेन इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं, 2MnO4 माइनस +10 Br- प्लस में हमने 16H+ किया तो यहाँ पे +16H+। ओके एंड वी विल गेट 2Mn+2 +5 Br2। ओके चलो चार्ज देखो बैलेंस हो गया, 16 + 10 तो हो जाएगा +6, +6 में से 2 चले जाएंगे तो +4, इस तरफ भी है +4। नाउ लास्ट स्टेप हमारा होता है टू बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H2O। ओके तो बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H2O, कौन से साइड ऐड करना है वो हम पहले देख लेते हैं। तो देखो इस तरफ 16 हाइड्रोजन है जबकि इस तरफ एक भी नहीं है। ओके तो हमें राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, कितने, तो 16 हाइड्रोजन के लिए 8H2O ऐड करने पड़ेंगे। सो वी विल गेट 2MnO4 माइनस +10 Br- +16H+, इट गिव्स 2Mn+2 +5 Br2 +8H2O। हमने कितने हाइड्रोजन ऐड किए, 8H2O। अब देखो मैंगनीज 2 तो ये भी 2, Br10 तो 5 × 10, ऑक्सीजन 4 × 8 तो यहाँ पे भी 8, हाइड्रोजन 16, 8 × 16। चार्ज भी हमने देख लिया कितना हो गया, +4 +4, मतलब कि ये जो रिएक्शन हुआ वो कैसा है, बैलेंस इक्वेशन, इट इज बैलेंस्ड रेडॉक्स इक्वेशन। ओके क्लियर हुआ आपको, एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। ओके इसी मेथड के लिए तो हमें रिएक्शन दिया गया है Cr2O7 -2 +SO3 -2, इट विल प्रोड्यूस Cr+3 +SO4 -2। ओके तो ये पहला काम तो हमारा यहीं पे हो गया, 1 स्केलेटल आयनिक इक्वेशन। ओके उसके साथ हमें यहाँ पे दिया गया है एसिडिक मीडियम। ओके ये मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम ना। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, तो वी हैव टू बैलेंस एटम, बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ओके चलो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा कौन कौन से एटम है, तो यहाँ पे क्रोमियम है। ओके वो कितने हैं, 2, यहाँ पे 1 है तो वी कैन राइट दैट 2, यहाँ पे तो 2 है ही, Cr2O7 -2 +SO3 -2, इट गिव्स 2Cr+3
SO4 माइनस टू. सल्फर ऑलरेडी दोनों साइड वन वन है. ओके, CR यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दो था, यहाँ पे वन था, तो हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके रखे ना. थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा? असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर. ओके चलो, तब यहाँ पे Cr2O7 माइनस टू प्लस SO3 माइनस टू, इट गिव्स टू Cr प्लस थ्री प्लस SO4 माइनस टू. ओके, यहाँ पे पहले हमें सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेना है. तो देखो, 7 टीजा होगा 14, 14 में से दो चला जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, 12/2 मतलब यहाँ पे क्रोमियम क्या हो जाएगा, प्लस 6. ओके, 3 टूजा 6, 6 में से दो चले गए तो 4, तो यहाँ पे सल्फर का हो जाएगा प्लस 4. ओके, नाउ यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है प्लस 3 चार्ज, यहाँ पे 4 टू जा 8 में से दो चला जाएगा तो 6 मतलब सल्फर का हो जाएगा प्लस 6. नाउ देखो, तो जो क्रोमियम है वो प्लस 6 में से प्लस 3 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. जो सल्फर है वो प्लस 4 में से प्लस 6 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है. चलो, जो क्रोमियम है उसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो देखो यहाँ पे एक क्रोमियम प्लस 6 में से प्लस 3 में जा रहा है, मतलब 3 का चेंज आ रहा है, लेकिन वो तो किसके लिए, एक के लिए, वैसे कितने हैं, दो. तो टोटल जो चेंज है वो कितना आ रहा है यहाँ पे, तो जो टोटल चेंज है वो यहाँ पे आ रहा है 6 जितना. ओके, टोटल चेंज कितना आ रहा है, 6 जितना. एक क्रोमियम प्लस 6 में से प्लस 3 में जा रहा है तो टोटल 3 का चेंज, वैसे दो क्रोमियम है तो 3 टू 6 का चेंज आ रहा है, 6 ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का टोटल डिक्रीज हो रहा है. इंक्रीजिंग की बात करें तो प्लस 4 में से प्लस 6 में जा रहा है, प्लस 6 में जा रहा है, मतलब कि दो ऑक्सीडेशन स्टेट वो इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 2 का. अब इन दोनों को हमें इक्वलाइज करना है, तो यहाँ हम इस इक्वेशन को 3 से, इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा दोनों का आंसर 6. मतलब CR वाले को हमें 1 से मतलब कुछ भी नहीं करना है, और जो SO3 वाला है उसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो वो स्टेप यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बैलेंस टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज और डिक्रीमेंट हो रहा है वो लिखेंगे. तो जो Cr2O7 माइनस टू वाला है उसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है. ओके, तो वो एज इट इज लिख लेते हैं. और जो SO4 माइनस टू वाला है उससे हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ हो जाएगा 3SO3 माइनस टू और यहाँ पर हो जाएगा 3SO4 माइनस टू. ओके क्लियर ना. यहाँ पे हमें चार्ज देखना होता है, तो माइनस टू, 3 2 6 माइनस 6, टोटल हो गया माइनस 8 चार्ज. यहाँ पे देखो तो प्लस 6 और माइनस 6, तो टोटल हो गया 0 चार्ज. अब यहाँ पे माइनस 8 है, यहाँ पे 0 है, हमें बोला गया है एसिडिक मीडियम है, मतलब वी हैव टू ऐड एच प्लस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा बैलेंस चार्ज, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग एच प्लस एटम ऑन कौन से साइड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड. ओके, मतलब जो जब भी आपको क्या करना है, एच प्लस ऐड करना है, तो जो भी कम नंबर होगा उसमें ऐड करो, ओ एच माइनस ऐड करना है तो जो भी ज्यादा नंबर होगा उस साइड पे ऐड करना होगा. ओके, तो यहाँ पे हमें 8 एच प्लस ऐड करने पड़ेंगे इस साइड पे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा Cr2O7 माइनस टू प्लस 3SO3 माइनस टू, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 8H प्लस. ओके, एंड विल गिव्स 2Cr प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस 2. नाउ टाइम टू कैलकुलेट द हाइड्रोजन एटम. ओके, हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं, 8 है.
और इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं, जीरो। मतलब राइट हैंड साइड पे हमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। और ऑलवेज रिमेंबर, जहां पे भी आप एच प्लस ओ एच माइनस ऐड करोगे उसके अपोजिट साइड ही आपको एच टू ओ ऐड करने पड़ेंगे। मतलब लास्ट स्टेप हमारा हो जाएगा बैलेंस हाइड्रोजन बाय, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग एच टू ओ मॉलिक्यूल मॉलेक्यूल ऑन राइट हैंड साइड। यहाँ पे एटम की जगह हमें आयन लिखना चाहिए, एच प्लस आयन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड एच टू ओ मॉलिक्यूल ऑन राइट हैंड साइड। ओके चलो, कितने एच टू ओ, तो 8H है तो 4H2O मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे। सो वी विल गेट सी आर 2O7 माइनस 2 प्लस 3SO3 माइनस 2 प्लस 8H प्लस, इट गिव्स 2Cr प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस 2 प्लस 4H2O। अगर 4H2O ऐड करेंगे तो 4 × 2 = 8, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। नाउ सी, क्रोमियम 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, सल्फर 3 तो यहाँ पे भी 3, ऑक्सीजन 7 प्लस 9 हो जाएंगे 16। ओके 7 प्लस 9 16, यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 = 12, 12 प्लस 4 16, हाइड्रोजन 8, यहाँ पे भी 8। चार्ज देखो तो माइनस 2 माइनस 6 और प्लस 8। ओके तो पहले प्लस 8 माइनस 6 तो प्लस 2, प्लस 2 और ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस 6 माइनस 6 हो जाएगा 0। मतलब ये क्या हो गया, तो हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके डू यू गेट इट, आई बात समझ में। अब मैं दो आपको एग्जाम्पल होमवर्क में देती हूँ, यू हैव टू बैलेंस इट बाय योरसेल्फ। अगर कोई भी क्वेरी आती है देन यू कैन आस्क मी बाय अ ड्रॉप अ मैसेज इन अ कमेंट बॉक्स। ओके तो इक्वेशन लिख लो आप, फर्स्ट इक्वेशन जो आपको बैलेंस करना है वो है MnO4- plus H2O2, it gives MnO2 प्लस ओ टू और मीडियम होगा बेसिक मीडियम। और दूसरा आपको जो बैलेंस करना है वो है Cu प्लस HNO3, इट गिव्स CuNO3 ट्वाइस प्लस NO प्लस H2। ओके यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट है, मतलब ये हो जाएगा एसिडिक मीडियम। ओके तो आपको ये दोनों इक्वेशन बाय योरसेल्फ सॉल्व करने हैं। और अगर कोई भी क्वेरी आती है इसे सॉल्व करने में तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप कर देना, तो मैं आपको उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। ओके एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू press like button and subscribe my channel. Thank you for watching this video. And next, for the next video in which we are going to see the second method for the balancing of redox reaction. Thank you.